तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एक 3x3 क्यूब का लॉन्ग वीडियो सॉल्यूशन लाऊंगा, तो हमारा वीडियो आ चुका है। तो मैं इस वीडियो में यह बताऊंगा कि इस 3x3 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं इसे पहले स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। तो ये क्यूब पूरा पूरा ही स्क्रैम्बल हो चुका है। तो हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरा मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे और कुछ नॉलेज मिले तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले बेसिक बताता हूँ कि ये जो पीस होता है ये कर्नर होता है जिसमें 3 कलर होता है, और ये जो पीस होता है ये एज पीस जिसमें 2 कलर होता है। तो हमारा पहला स्टेप है कि हम एक सनफ्लावर बनाए और उसके बाद प्लस बनाए। तो कैसे बना सकते हैं हम, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, पहला पहला स्टेप होता है कि हम एक सिंपल व्हाइट क्रॉस बनाए। तो कैसे हम, मैं पहले बना लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हो गया, तो हमारा व्हाइट क्रॉस हो गया ऐसे। फिर ये क्या होगा, व्हाइट क्रॉस तो हो जाएगा, फिर ये एज और सेंटर पीस मैच रहेगा। तो कैसे करना है मैं अभी बताता हूँ आपको। हाँ, तो क्यूब पूरा पूरी स्क्रैम्बल हो चुका है। तो हमारा पहला स्टेप होता है कि क्रॉस बनाने का पहला स्टेप होता है कि यहाँ पर एक सनफ्लावर बनाए, एक सनफ्लावर व्हाइट इस एज में येलो के कलर में हमारा व्हाइट एज पीस रहेगा। तो कैसे हमको करना है देखिए। तो यहाँ पर 2 पीस पहले से लगे हुए हैं, तो हमको क्या करना है, ढूंढना है कुछ व्हाइट एज पीस जैसे कि ये वाला। तो इसको अगर हम कहीं पर भी यहाँ पर अगर लाए हम, तो कैसे ला सकते हैं, पहले 2 लेयर को ऐसे राइट की ओर टर्न करना है, फिर इसको ऊपर कर देने से यहाँ पर हमारा 3 एज हो जाएगा कंप्लीट। फिर एक पीस यहाँ पर है, तो हम नीचे पीस एक है, तो क्या करें, ऐसे पहले लाएंगे, इसके पास यहाँ पर लगेगा, तो इसको 2 बार ऊपर कर देंगे। 2 बार ऊपर करने से हमारा सनफ्लावर रेडी हो गया। फिर हमको क्या करना है कि इसी के मदद से एक व्हाइट क्रॉस बनाना है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे बनाना है। पहले एक कुछ भी आप रैंडम सा एक व्हाइट एज पीस चूज कर ले, जैसे कि मैं ये चूज कर देता हूँ। तो यहाँ इसका ऊपर वाला कलर को देखना है। तो मैंने देखा इसके ऊपर वाला कलर कौन सा है, ऑरेंज, तो ऑरेंज को ऑरेंज के साथ पहले मिलाना है, एक सेंटर और एज के साथ इसको मिलाना है। तो ये क्या है कि मिल चुका है, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 बार ऊपर टर्न कर देंगे। फिर एक और पीस ढूंढेंगे, जैसे कि ये हो गया, इसका ऊपर वाला कलर क्या है, ब्लू। ये मैच नहीं है अपने सेंटर पीस के साथ, तो हम पहले इसको मैच करवाएंगे। ये मैच हो गया, मैच होने के बाद इसको 2 बार ऊपर कर लेंगे। फिर एक और एज पीस देखेंगे जिसका ऊपर वाला कलर क्या है, रेड, तो रेड को रेड के साथ मैच करना, फिर 2 बार ऊपर की ओर, कैसे, ऐसे 2 बार ऊपर की ओर करना। तो हमारा ये हो गया थोड़ा सा प्लस, और एक पार्ट बाकी है। तो हमारा एक और पीस है, तो एज पीस व्हाइट का, इसका ऊपर वाला कलर है ग्रीन, तो ग्रीन को ग्रीन के साथ पहले मिलाना है, मिल गया। फिर ऊपर की ओर ऐसे 2 बार टर्न करना है, कैसे, ऐसे कर, हाँ, तो कैसे करना है, ऐसे देखिए, ये वाला है, इसके ऊपर वाला ये कलर है ग्रीन, इसको पहले मिलाना है इसके साथ, फिर इसको ऊपर करना है 2 बार, 1 2। तो हमारा क्या हुआ कि ये प्लस हमारा हो गया, कॉर्नर की ओर ध्यान मत दीजिए, हमारा प्लस हो गया, उसके साथ ये कॉर्नर मैच हो गया, ये सारे कॉर्नर ग्रीन ग्रीन रेड और ब्लू ऑरेंज ये सारे मैच हो गए। तो यहीं पर मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर इस वीडियो का लाइक मैं रखता हूँ 10 लाइक्स।
ओनली फॉर 10 लाइक्स। तो प्लीज पूरा कर देना इस लाइक गेम को। हम पार्ट टू में देखेंगे कि ये पूरा व्हाइट कलर कैसे सॉल्व होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय गाइज, बाय बाय।